अच्छा भाई मत देना। आपा मैं तो ये कह रही थी कि घर में और भी बहुत सारे काम पड़े और ये लड़की आके कपड़ों को लेकर बैठ गई। एक सेकंड, चलो फोन आया है। ये देखा आपने? अब देख लें आपा, फिर आ गया इसकी सहेली का फोन। अरे ये सारे कपड़े जो है ना, इनमें से आपको नहीं पता कितने तो उससे नजर चुरा कर मैं अलमारी में रख चुकी हूँ। अरे बस यही तो है ना, बच्चियों को शौक होता है नए नए कपड़े सिलवाने का, जाने दो। हारिस अगर तुम मेरी शादी में ना आए ना, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो फिर क्या होगा, तुम शादी से इनकार कर दोगी? फिर तो नहीं आऊंगा मैं। अब हारिस ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना कि ना मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही बात करूंगी, समझ आ रही है ना? अच्छा सुनो मेरी एक बात, मैंने उस्मान को कार्ड दिया था या नहीं? अगर नहीं दिया था ना, उससे बोलना मैं उसको दे दूंगी, ठीक है? ईशान यार, हारिस अम्मी बुला रही, मुझे फोन रखना पड़ेगा, रात में फोन करती हूँ, ठीक है? देखो ईशान, तुमने मुझे कल भी कहा था कि तुम मुझे फोन करोगी और तुम्हारे फोन के इंतजार में पूरी रात जागता रहा, मैं सोया नहीं, ये तो बुरी बात है ना? यार हारिस, रक्षी खाला आई हुई है, तुम तो जानते हो नहीं वो मेरी कितनी जिगरी है। तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं लगा यार, लेकिन आज रात पक्का कॉल करूंगी, ठीक है? जरूर करना। ओके ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़। तुम्हारी मम्मा से बात हुई? क्या जवाब दिया उन्होंने? हुई जिसकी हमें तवक्को थी, एक हंगामा हो गया और उन्होंने कहा मुझे मार दो, मेरा मरा मुंह नहीं देखना। यही बातें करती है ना लड़के की अम्मा।